गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड नमस्ते फ्रॉम कनाडा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है एंड इवन फर्स्ट वीडियो है यूट्यूब पे। भाई साहब ये किस लाइन में आ गए आप? मैं एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हूँ फ्रॉम दिल्ली इंडिया और मैं यहाँ टोरंटो में पढ़ रहा हूँ जो कि कनाडा की मोस्ट पॉपुलर सिटी है। तो मैं आपके साथ अपनी लाइफ शेयर करना चाहता हूँ और उसी के साथ साथ मैं थोड़ा इन्फॉर्मेटिव कंटेंट भी शेयर करना चाहता हूँ ताकि आप में से जो भी कनाडा आने के लिए प्लान कर रहे हैं एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट स्पेशली आपको हेल्प मिले। इस चैनल के लिए अभी तक मैंने जो सोचा है वो ये है कि जो भी मैं अपने व्लॉग्स डेली व्लॉग्स आपके साथ शेयर करूँगा वो मोस्टली हिंदी में ही होंगे क्योंकि मैं अपने दोस्तों के साथ बातें या जो भी उनके साथ कर रहा हूँ मैं वो आपके साथ शेयर करूँगा और मैं नहीं चाहता कि मेरे दोस्त कैमरा के आगे अनकम्फर्टेबल फील करें। सो या और जिन वीडियोज़ में मैं सिर्फ अकेला मैं खुद बोल रहा हूँगा उसमें मोस्टली मैं कॉन्टेंट शेयर कर रहा हूँ कुछ इन्फॉर्मेटिव तो वो आई ट्राई टू डू इन इंग्लिश। ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो थी एंड मैं पूरी आई एम सॉरी गाइस, मैं अभी कोविड टेस्ट करा के आया हूँ अपना जो कि थर्ड कोविड टेस्ट था बिकॉज आई रिसेंटली एंटर्ड कनाडा। इट्स बीन 15 डेज सो आई एम डन विद माय क्वारंटीन तो इसलिए मेरा ये थर्ड कोविड टेस्ट था। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा गाइस कि मेरे आने वाले व्लॉग्स अच्छे हों एंड आई होप आप सबको पसंद आए। वो मुझे अभी इस फील्ड में बहुत कुछ सीखना है जैसे कि एडिटिंग, हाउ टू टेक द शॉट्स और बहुत कुछ होता है इसमें। तो प्लीज़ प्लीज़ साथ खून माफ़ करना और गुस्ताखी माफ़ करना। अगर आप भी एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हो और आप भी प्लान कर रहे हो कनाडा आने के लिए और अगर आपको कुछ भी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट चाहिए तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी बता सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है mridulbatra12। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि मैं जितनी जल्दी हो सके आपके लिए एक नई वीडियो बनाऊँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप, वैसे एक कोका कोला भी दे सकते हो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। अगर अच्छा नहीं भी लगा तो भी बताओ एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो एंड लेट्स ग्रो टुगेदर। मेरा नाम मृदुल है एंड दिस इज़ माई लाइफ माई स्टोरी।